हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड, उत्तराखंड पुलिस भर्ती यहाँ फ्रेंड, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। फिलहाल जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष संतोष बडोनी का एक बयान जारी हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उम्र सीमा को लेकर बहुत बड़ी बात कही, और ये इनके बयान से ये सब सामने आ जाता है कि कब तक ये पुलिस भर्ती आ सकती है। तो बेरोजगार आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में बेरोजगारों द्वारा कोर्ट में भी वाद करने की भी जानकारी मिली थी। इस कारण भर्ती की जो प्रक्रियाओं को विवाद से बचाने के लिए हमने गृह विभाग से आयु सीमा पर अंतिम राय मांगी है। अभी निर्धारित आयु सीमा 22 साल है, जैसे कि आप जानते हैं। इसमें सभी भर्तियों पर लागू 1 साल के अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है, तो मान के चलो अब 23 साल हो गई। शासन का जवाब आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां फ्रेंड, बहुत ही जल्द आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है। ये हम कई सालों से कह रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं, कई घंटों से कह रहे हैं, कई सेकंडों से कह रहे हैं, लेकिन आज तक निर्णय क्या आया है? बिल्कुल सिफर, यानी कि शून्य। तो फिलहाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, सीधा गृह विभाग को के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी है। उन्होंने कहा कि अगर उम्र सीमा वो लिख के दे दें तो हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और गृह विभाग क्यों ऐसा करेगा वो आप अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 साल से पुलिस भर्ती की वेट कर रहे हैं, यानी कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं। लोगों की उम्र भी निकल गई है, सब कुछ निकल गई है। उसको सीमा आयु सीमा बढ़ाने के संबंध में आपको इससे पता है कि 28 सितंबर को आयोग के पास 1541 पदों पर जो प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेजा गया था, इसी बीच बेरोजगार ने लगातार, आपने देखा होगा, उम्र जो है 22 वर्ष से बढ़ाकर 28 करने की मांग की थी, क्योंकि जितने साल वैकेंसी नहीं आई है, कम से कम एटलीस्ट 5 साल का तो उसमें छूट देना चाहिए था। जनरल को 27 साल तक करानी चाहिए। तो उनका ये तर्क था कि 7 साल से भर्ती नहीं हो रही, इस कारण युवाओं को उम्र में छूट देनी चाहिए। हालांकि 1 वर्ष की उम्र की छूट है, जो कि नाकामी है, नाकाफी है, क्योंकि 1 साल की उम्र के छूट के तो कहीं भी नहीं मिलती। COVID-19 की वजह से ऐसा संभव हो चुका है, नहीं तो बाकी आप देखते हैं कि क्या हाल है। तो फिलहाल आप देखते हैं, इसके अलावा जो पद गए थे 1541, उसमें आयोग ने इसके अलावा आयोग चुनाव से पहले जो है और भी चीजों के बारे में सोच रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मंच के तक रामपाल जो खनवार है, उन्होंने जो है हाईकोर्ट में जो है अर्जी दायर की थी, जिसको कि हाईकोर्ट ने लगभग खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब विवादों की आशंका को देखते हुए आयोग पहले ही इस पर जो है अपने एक स्टेप बैकवर्ड ले लिया है, और सारा चीज उसने गृह विभाग के उस पर ठेल दिया है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय में से जो 28 सितंबर को 1541 पदों के लिए जो विज्ञप्ति गई थी, फिलहाल उसका कोई भी निर्णय नहीं आया है। उम्र को लेकर मामला अटक गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 22 साल जो है मिनिमम एज थी, उसको बढ़ाकर मैक्सिमम तो यार 27 साल, 5 साल की तो छूट देनी ही चाहिए, 27 साल करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। फिलहाल सचिव ने जो है अपना बयान देकर स्पष्ट जारी कर दिया कि फिलहाल भाई साहब हमारे हाथ में गेंद नहीं है, गेंद जो है गृह विभाग के हाथ में है। अब जब गेंद गृह विभाग फेंकेगा, हम बैटिंग करेंगे। नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर, यानी कि आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन पर और वेबसाइट पर UK SSC.org पर मिल जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट पुलिस भर्ती से आएगी, बंदा हाजिर है आपको बताने के लिए। करना कि आपको सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पहली बार आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक नए YouTube चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।